ने बनाया है ये सुपर धागा। मैंने कहा सुपर धागा। ओ सुपर धागा, क्या तुम्हें पता है माई कि इस धागे में ऐसा क्या स्पेशल है? मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सुपर धागा उठा सकता है 18,000 किलो तक का वजन बिना टूटे, और देखो कैसे सुपर से ऊपर जा रहा है। और ये सुपर धागा, मेरी बात तो सुनो दोस्तों। कैसी है छुटकी? चल मैं बहुत, और अब तुम होगे जिंक्स। जिंक्स 1 2 3 मैं जीत गई। अब तुम चुप रहोगे जब तक कोई तुम्हारा नाम नहीं बोलता। हेलो, कोई है? हेलो, तुम एक मिनट, तुम इसे जानते हो क्या? ओके चाक, अब तुम बोल सकते हो। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है रेड, और ये मेरे पट्टे उल्लू के। गाइस ये मेरी बहन है सिल्वर, दुनिया की सबसे बेस्ट छोटी बहन। वैसे अब मैं छोटी नहीं रही चाक। कैसे हो सब लोग? दोस्तों मुझे नहीं लगता ये टीम में फिट होगी, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए फिट नहीं है। हम मतलब टीम फिट फिट कहेगी। मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तुमसे नहीं बल्कि तुमसे, मैं पहले कभी किसी पिक से नहीं मिली। तुम्हारे इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी का जवाब नहीं। क्या मैं तुमसे हाथ मिला सकती हूँ? थैंक यू, ये बढ़िया है। और ये पक्का बॉम्ब है। ओहो, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारा ये फ्यूज किसी का भी फ्यूज उड़ा सकता है। क्या बात है, तो चेक कह रहा था कि तुम बड़ी इंजीनियर अवार्ड विनिंग टॉपर टाइप, आई मीन क्या पता नहीं कुछ हो। खुद की तारीफ कैसे करूं? अरे ये क्या है, और इतनी सारी अचीवमेंट अवार्ड्स किसको मिले हैं? तेज दिमाग, छोटी है मगर कितनी स्मार्ट है ना। अब मैं बड़ी हो गई हूँ चाक। गुदगुदी गाड़ी सिल्वर के प्लेटफॉर्म पर आ रही है। नहीं, नहीं, चाक। दोनों भाई बहन खुजली के मारे। हम जा रहे समंदर में, बढ़ो बढ़ो, अंडे लाने हैं तो तुम चलो चलो। पेरेंट्स को इसकी कुछ खबर ना हो ना हो, हम बन जाएंगे रेड जैसे हीरो हीरो। पकड़ लिया। हमें मिल गए, ये कितना आसान था ना। पर ये कुछ ज्यादा ही आसान था। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब कुछ इतना आसान हो तो नॉर्मली कुछ और बड़ी मुसीबत आ ही जाती है। मैं समझी नहीं। मैं भी नहीं। वैसे इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ ना कुछ गड़बड़ टाइप हो ही जाती है। ओ, देखा ऐसे, ये हो क्या रहा है लाइफ में। स्पेशल फोर्सेस मीटिंग। आप सभी वो लोग हैं जो अपने अपने काम में सबसे ज्यादा माहिर हैं, जो हमारे बजट में आए। इस मिशन में हर कदम पे खतरा मिलने वाला है, जैसे कि ये, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी जैसा कि मेरा असिस्टेंट कहना चाहता है, अनपढ़ कहेगा। असिस्टेंट तुम हो? एक्चुअली ये कॉम्पोजिट ज्वालामुखी है, इसकी शेप और हाइट से ही पता चलता है ये मामूली ज्वालामुखी नहीं है। ओके ज्वालामुखी नहीं, भूल जाओ मैंने ज्वालामुखी कहा था, ये है एक बहुत बड़ा महाहत्या। पर दिखता तो बिल्कुल ज्वालामुखी जैसा ही है। और अब सबसे डरावनी बात, ये है उनकी सरप्राइज लीडर। ये हमारी फोटो कहाँ से आ गई? नेक्स्ट। ओह बम सेल्फी। नेक्स्ट। ये देखने से पहले मेरी आंखें नहीं फूट गई। कोर्टनी। और लो सेल्फीज। ये उनकी खतरनाक लीडर है। ओ ओ ओ ओ, एक मिनट, क्या तुम इसे जानते हो? कौन? मैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं, लाइफ में कभी से देखा नहीं। कौन है ये, मुझे क्या पता। पक्का झूठ बोल रहे हो, पर खैर आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, तो प्लान क्या है? हाँ तो प्लान ये है दोस्तों, स्टेप वन हम चोरी छुपे पहुंचेंगे ईगल आइलैंड। हाँ, स्टेप टू हम महाहथियार के अंदर घुस जाएंगे, समझे? समझे। एंड स्टेप थ्री
इस महाहथियार को तोड़ देंगे, मतलब जैसे तैसे कर ही लेंगे। कोई प्लान नहीं है। और ये सब करेंगे बर्ड आइलैंड और पिगी आइलैंड के तहस नहस होने से पहले। है ना प्लानेट? ओके, पर मेरे कुछ सवाल हैं। एक तो तुम लड़कियों के सवाल खत्म नहीं होते, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, तो हम आइलैंड पर पहुँचेंगे कैसे? ये महाहथियार है क्या और हम उसे तोड़ेंगे कैसे? ये सब हमने कभी लिया तो वहाँ से सही सलामत निकलेंगे कैसे, क्योंकि प्लान में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही लीडर, ये क्यों नहीं है? मैंने कहा था नहीं, बहुत स्मार्ट है। हाँ, तेरी तो बहन है, तू तो बोलेगा ही। माय डियर ईगल, क्या क्या मैंने कुछ नहीं किया। आपके पास ईगल आइलैंड का नक्शा है क्या? नहीं नहीं, कोई नक्शा नहीं। ओ, ये तो नक्शा है। और नहीं तो क्या, रिक्शा है? ओके, एक मिनट रुको, तुमने कोई आवाज सुनी? कौन सी आवाज सुनी है? जैसे कोई कुकर की सीटी। मुझे तो ऐसी आवाज आ रही है। बाहर देखो। इमरजेंसी एग्जिट। बुलावा आने वाला था। नहीं, रुको। ओ, इसकी तो बाल कर नहीं है, मर गए। सही निशाना लगा है इस बार। जय बात, डाली रहेगा। तेरा दिमाग खाली। अब वो दुम दबाकर भागेगा। भागेगा? कौन दुम दबाकर भागेगा? हाँ, वो कौन? साब, वो साब भाग।